तो हे व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हमने एक पोल डाला था कि क्या आप मेरी मिनी व्लॉग्स ही देखने में इच्छुक हैं या फिर आप लॉन्ग व्लॉग भी चाहते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं आपके लिए एक लॉन्ग व्लॉग लेके। लॉन्ग व्लॉग तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग व्लॉग में आपको क्या दिखाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, गाड़ी दिखाएंगे, रोड दिखाएंगे। नहीं, हम आपको दिखाएंगे बिहार की सुंदरता, क्योंकि हम हैं भगवान बौद्ध की जन्म धरती बिहार में। तो हम आ चुके हैं आज बुद्धा स्मृति पार्क, जो कि पटना में है। और यहाँ की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पे क्लीनलीनेस काफी ज्यादा, मतलब आप कहीं भी बैठने से पहले एक बार भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पे डर्ट होगा। बिहार को लोग बहुत गंदे नजर से देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आइए, आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाने वाला। यहाँ के बारे में एक खास बात पता चला कि यहाँ पे एक विपासना केंद्र है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ का ये खास बात है कि यहाँ पे आप डेली लाइफ से बोर हो गए तो आप यहाँ पे 10 दिन के लिए रजिस्टर करके आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप यहाँ अगर रजिस्टर करके आते हैं 10 दिन, आपको रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा। और यहाँ पे ना आप फोन लेके आ सकते हैं, ना आप अंदर के किसी लोग से बात कर सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे एकदम अकेलापन, अगर आप अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बिहार में एजुकेशन को प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ आसपास में रहते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ का फीस बहुत मिनिमम है, 50 रुपये देकर आप पूरा दिन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए भगवान बुद्ध का स्टैचू, जिसके एक साइड जो पेड़ है वो श्रीलंका से लाया गया और दूसरे साइड का जो पेड़ है ये बुद्ध गया से लाया गया। इस स्टैचू के ठीक अपोजिट आपको एक म्यूजियम दिखता है, ये रहा वो जो रेड बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो म्यूजियम है। यहाँ पे आपको मतलब 50 रुपये देकर अगर आप जाते हैं तो भगवान बुद्ध की पूरी लाइफ आपको 9 मिनट में एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एक्सप्लेन की जाएगी। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। तो आपको मेरा ये पहला ब्लॉग कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे इस ब्लॉग में आपको कोई भी कमी या कोई भी एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में वो इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।